चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स माइनस ए लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर, वन डिग्री टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक आएगा। इसका मतलब ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म का, जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो आप उसको क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से मैच कर जाता है, फिर फॉर्मूला हम लोग प्लेस कर देते हैं उसका, वी गेट इजली आंसर। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका माइनस टाइम्स ए प्लस बी एक्स और प्लस क्या आएगा, ए बी आएगा। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, इसको कंपेयर करोगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको ए क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ वन, बी मिलेगा आपको माइनस टाइम्स ए प्लस बी, और सी मिलेगा आपको ए बी। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट कुड बी रिटेन एज ए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए सी मतलब ए वन हो गया और सी हो गया ए बी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस फोर ए बी, यहाँ से आप सॉल्व करोगे लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये स्मॉल ए बी सी के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग वहाँ कैपिटल ए बी सी एज्यूम कर लेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग, ए टाइम्स मतलब वन टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए, और बी क्या है आपका माइनस टाइम्स ए प्लस बी अपॉन टू ए, ए वन है ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, का होल स्क्वायर माइनस d बाई फोर ए स्क्वायर, और d आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कुड बी रिटेन एज, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है, बाहर वाले ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का बाई टू का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा ही लिख लेते हैं बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज़ हम वहाँ प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको देने की ज़रूरत है नहीं, स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपने लिख दिया है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कॉपी में आपको कहीं ना कहीं तो रफ करना ही होता है, तो आप वहाँ पर स्टेप आपका एक तरह से सो रहेगा टीचर के लिए, तो ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। और लिख देंगे सिंस, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल ऑफ इट बिकम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई टू इक्वस टू टी, ये एज्यूम कर लेंगे लेट। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन डी एक्स, इसका जीरो हो जाएगा कांस्टेंट है, और t का वन तो वन डी टी, या यूँ कह लें डी एक्स इक्वस टू डी टी। पूरा क्वेश्चन वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल बाई टू का होल स्क्वायर डी टी हो जाएगा, और ये आपका किस फॉर्म से मैच कर रहा है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या होता है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल टी है तो यहाँ लिखेंगे टी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, जो भी क्वाड्रेटिक आपकी पूरी है, मतलब टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी।
अब टी तो हमारा डमी वेरिएबल है, हमें डमी वेरिएबल में आंसर देना नहीं होता है, तो टी हम प्लेस कर देते हैं यहां से। टी हमारा था एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू एंड प्लस। अच्छा ये जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो यू गेट द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक, जो भी आपकी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक होती है ना, तो कभी आप उसको रख के वैल्यू प्लेस करके वापस क्यों मेहनत करेंगे, हम उसी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक को कॉपी कर दिया करेंगे वहां पे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।